Hello everyone, I hope you are doing absolutely fine. It's Shivam Shukla and welcome to my YouTube channel That Shivam Guy. So भाई आज का vlog जल्दी से चालू करते हैं, ठीक है? कोई बकवास नहीं करते हैं. So अभी मैं हूँ बैंगलोर में और मैं जा रहा हूँ Hoganekal Falls. तो बैंगलोर से Hoganekal Falls का डिस्टेंस कुछ आई थिंक 130 किलोमीटर है. तो हमने ऑलरेडी जूम कार कर लिया है, मैं उसको ले आया था. तो अभी हम घर से निकल रहे हैं, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं. तो जल्दी से वहाँ पे चलते हैं, अभी जूम कार नीचे है. सो भाई अभी मैंने 2:30 तक अपनी शिफ्ट निपटाई है और हमें 3 बजे निकलना है. 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया. सो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर हम निकल ले Hoganekal Falls के लिए. आई थिंक 3 घंटे की जर्नी है, 3 घंटे टाइम लगेगा. तो हम 6:37 के अराउंड वहाँ पहुँच जाएंगे. उसके बाद फिर वहाँ चल के वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से. और भाई एक बात कहना भूल गया था, मैंने फिर से कम बैक किया अपना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. आपसे आई प्रॉमिस रेगुलर व्लॉग्स आएंगे अच्छे अच्छे बैंगलोर के अराउंड. सो सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं. सो भाई ये रही अपनी गाड़ी, जूम कर की हमने कुछ 3,500 रुपये में 10-12 घंटे के लिए. सो अभी चलते हैं. सो भाई चलने में थोड़ा लेट हो गया है, आई थिंक 4 बज गए हैं. हमारा प्लान 3 बजे का था, बट कोई बात नहीं. सो आई थिंक 3 घंटे लगेंगे, 7 तक हम पहुंच जाएंगे. वैसे भी वो फॉल्स 8 बजे खुलता है, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. तो अभी पेट्रोल भराने रुके थे. अभी हम पता नहीं कहाँ पे हैं, अभी चाय के लिए रुके हैं यहाँ पे. और अभी हम ज़्यादा आए नहीं है, 15-20 किलोमीटर ही आए बस. काफ़ी शोर है भाई. तो बस भाई यहाँ भी 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे. सो भाई रोड पे काफ़ी शोर आ रहा था, मैं यहाँ एक कोने पे आ गया हूँ. सो हमने अभी यहाँ पर चाय ब्रेक लिया है. अभी आई थिंक हम 20 किलोमीटर आए हैं बस, और अभी भी काफ़ी बचा हुआ है. और जो पहुंचने का टाइम बता रहे हैं वो 7:15 बता रहे हैं, कि अभी थोड़ा हम सिटी से निकले हैं तो ट्रैफिक था. तो बस अभी हम यहाँ से चाय पीते हैं और चाय पी के निकलते हैं. और भाई एक और बात, अगर आप बैंगलोर से Hoganekal Falls जा रहे हो, रास्ता काफ़ी ख़राब है. मैंने रिव्यूज़ में भी पढ़े थे गूगल रिव्यूज़ में कि रास्ता ख़राब है. सो लिटरली ख़राब है, हमें भी काफ़ी ख़राब पैच मिला है, बट आई होप कि आगे चल के थोड़ा सही हो जाए. सो भाई चाय ब्रेक ख़त्म. अभी यहाँ पे सामने HP का पेट्रोल पम्प था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉशरूम ब्रेक भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सीधे. अभी मेरा दोस्त ड्राइव कर रहा था, आई थिंक अब मैं ड्राइव करूँगा. मेरा थोड़ा मन कर रहा है ड्राइव करने का. भाई अभी हम यहाँ पे रुके थे, मुझे टाइम लैप्स लेना था. भाई कितना सही व्यू है भाई, और बहुत प्यारा टाइम लैप्स आया है. मैं अभी लगाता हूँ इसके बाद. और अभी आई थिंक 50-60 किलोमीटर्स अभी बचा हुआ है, बाकी हमने कवर कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा. भाई बहुत प्यारा मौसम है भाई, व्यू चेक करो भाई, काफ़ी प्यारा भाई, मज़ा ही आ गया. तो अभी टाइम लैप्स ले लिया है, अभी मैं लगाता हूँ. बहुत ही प्यारा है, प्लीज़ देखना. और अभी हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी 50-60 किलोमीटर्स बचा हुआ है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. तो वहाँ चल के मिलते हैं, और मैं अभी टाइम लैप्स लगा रहा हूँ यहाँ पे. और भाई एक और बात यार, इतने दिनों बाद व्लॉग करके बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मतलब वापस कंटिन्यू करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और आज तो भाई मौसम भी सही लग रहा है काफ़ी. काफी टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ पे, अब यहाँ से निकलते हैं. If the fall down is painful, I mean to play. But there's something about you, there's something. Keep pulling me to you, there's something. No good but I want. So by
अभी 40 किलोमीटर बचे हुए हैं और अभी सारा पूरा जंगल ही है। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बोट दिखा था हमें, तो हाथी हाथी के साइन थे, शायद शेर तो नहीं मिलेंगे, हाथी मिल सकते हैं। और अभी भाई अपना ड्राइव कर रहा है, ही इज अमन बाय द वे। यार हाय, अच्छे से दिखा नहीं दे रहा है। बस छोटा सा ब्रेक हो गया, वॉशरूम ब्रेक लिया था यहाँ पे पेट्रोल पंप पे और थोड़े से नज़ारे एंजॉय किए। अभी 30 मिनट की जर्नी और है, उसको कवर करते हैं जल्दी से क्योंकि फिर हमें लौटना भी है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी हमने ली है वो हमें आई थिंक 1 बजे वापस देनी है, तो उसके हिसाब से आई थिंक हमें 10 बजे निकलना पड़ेगा। आई थिंक 9:30, 10 बजे भी नहीं, 9:30 हमें निकलना पड़ेगा, तब जाके हम 1 बजे तक बैंगलोर पहुँचेंगे और अपनी गाड़ी दे पाएंगे। सो अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और भाई ये नज़ारे हैं पीछे के, काफ़ी सही है भाई, बहुत सही। बैंगलोर में तो तुमको पता ही है काफ़ी ट्रैफिक है और काफ़ी शोर शराबा है भाई, वीकेंड्स में ऐसी जगह आना बनता है भाई। ज़्यादा दूर भी नहीं है बैंगलोर से, 130 किलोमीटर है, तो बनता है भाई, तुम भी आ सकते हो और ये व्लॉग्स देख के आ सकते हो। तो अभी हम फॉल्स पहुँचे नहीं है, पहुँच के मैं वहाँ पर भी बताता हूँ सीन क्या है। और वहाँ पर यार एक बोट राइड होती है फॉल्स के बीच से, वो बोट राइड पर ले जाते हैं, आई थिंक गोल गोल सा कुछ होता है, मैं वहाँ चल के दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है। और भाई एक और चीज़ भाई, यहाँ पे खाने का कुछ नहीं मिलता है, काफ़ी जंगल है, तो अगर तुम लोग आ रहे हो तो कुछ खाने का अपने साथ ले आना पैक करके, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत कुछ भूख लगी है बट कुछ मिल नहीं रहा है। A beautiful disaster, I know I've got what's coming, but I do it all. So भाई फाइनली, भाई फाइनली इतनी भूख लगी थी मुझे, मुझे लगा भाई पूरा जंगल है कुछ नहीं मिलेगा खाने को, बट फाइनली हमें एक जगह मिली, मस्त इडली डोसा मिल रहा है गरम गरम। तो भाई अभी पेट पूजा करेंगे फिर बाकी का रास्ता नापेंगे। और गाइस यार सुंदर व्यू है भाई, और ये है अपना होटल जहाँ अपन अभी इडली डोसा खाएंगे, काफ़ी सही। भाई खा लिया भाई, और भाई काफ़ी सही डोसा था भाई, और इडली दोनों वो काफ़ी सही था। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो यहाँ खा सकते हो भाई, होटल का नाम है श्री गिरदर्शनी होटल, काफ़ी सही है भाई, मस्त आओ डोसा चापो इडली चापो। तो भाई फाइनली ओगनेकल फॉल्स पहुँच चुके हैं और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अभी आई थिंक हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर, फिर वहाँ पे हमको सारा बोट राइड और ये सब मिलेगा। भाई चलने का बिल्कुल मन नहीं है इतना अच्छा खाना खा के भाई, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोया भी नहीं हूँ, जॉब के बाद डायरेक्ट सीधे आ गया यहाँ फॉल पे। सो भाई वहाँ कार पार्क की थी हमने और ये रास्ता है, यहाँ से अभी हमें लेफ्ट लेके अंदर ही अंदर जाना है, आई थिंक 2 किलोमीटर होगा, इतना चलना पड़ेगा। और भाई यहाँ भी काफ़ी शॉप्स है खाने पीने की, शॉपिंग की तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा जंगल ही है, यहाँ आने के बाद काफ़ी शॉप्स हैं। अपना बोटिंग चार्जेस कितना है? योर मूड बोटिंग भैया, चार्जेस चार्जेस ₹1,500। सो भाई अभी बसड़ हो गई है क्योंकि टिकट प्राइस है यहाँ पे 4 लोगों का 1500 मांग रहा है और 1500 में बोट इंक्लूडेड है, बट अभी हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास सिर्फ 800 कैश है, तभी हम वहाँ पे शॉप पे पता कर रहे हैं कि कोई हमें फ़ोन पे लेके दे दे कैश। तो भाई चार्जेस पता बता देता हूँ, 1500 रुपये है, उसमें बोट इंक्लूड है, और यहाँ से यहाँ तक आने के हमें आई थिंक 150 लग गए, रोड में टैक्स वैक्स ले लिया उन्होंने जो भी लिया, रोड फी जो भी था, तो 150 वो और 1500 यहाँ का, तो 1715 तक लग गया है। बाकी भाई व्यू चेक करो भाई,
क्या पहाड़ है भाई। भाई ये लोग गए तो हैं बट आई डोंट थिंक सो कि कोई देगा कैश। अगर नहीं दिया तो वापस 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोगों के पास कैश है बट वो कार पे है। तो भाई जिसका डर था वही हुआ, कैश किसी ने दिया नहीं। फिर हम गाड़ी तक गए, बोट वाले भैया हमें बाइक से ले गए वहाँ तक। और अभी हमने लाइफ जैकेट पहन लिया है, हमने बोटिंग ले लिया, 1.5 घंटे की बोटिंग मिलती है 1500 में, 1.5 घंटे पूरा घुमाते हैं एरिया। भाई मैं सीन दिखाता हूँ भाई, यहाँ का पानी कितना सही है भाई। वेट, ये चेक करो गाइस, आई थिंक ये बहुत लंबा फॉल है या जो भी है पानी है, तो इसमें पूरा 1.5 घंटा ये लोग इस वाली बोट से घुमाते हैं। मैं दिखाता हूँ ये वाली बोट भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत क्रेज़ी होता है ये राइड, मैंने देखा है ऑनलाइन यूट्यूब पे, बहुत क्रेज़ी राइड होती है भाई, ऐसे ऐसे घुमाते भी हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी हम जा रहे हैं इस पर, मज़े करते हैं। तो गाइज अभी हम इस पर बैठने वाले हैं भाई, काफ़ी फन है ये। अभी वहाँ से वहाँ तक थोड़ा दूर तक हमें लाया है, ये काफ़ी फन था। मैं ब्लॉग करना भूल गया भाई क्योंकि डर लग रहा था कहीं पलट ना जाऊँ। अभी वापस हमें थोड़ा चलना है, उसके बाद फिर से हम इस पर बैठेंगे, फिर दिखाऊँगा भाई। इतना फन है भाई, बहुत अंडररेटेड जगह है भाई, ज़रूर आओ यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। Just to feel the thrill. भाई बहुत अंडररेटेड है भाई, काफ़ी क्रेजी जगह है। अभी ये वाली, अभी हम वापस इस बोट पे बैठेंगे और वापस हमें ले जाएगा, 1.5 घंटे घुमाएगा भाई, काफ़ी ज़्यादा। So भाई अभी हम नीचे जा रहे हैं और हम फिर यहाँ पे वो देखो बोट पे बैठेंगे भाई, काफ़ी क्रेजी है भाई, मज़ा आने वाला है। पानी कितने पास है भाई। भैया ने हमें बताया कि जो ये पानी है वो 100 फिट है भाई, 100 फिट गहरा है, और यहाँ पे मतलब बोट चलाने के लिए लोगों के पास लाइसेंस है। रावण भाई मुझे नहीं पता बट भैया ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ से रावण डाइव करता था नीचे भाई। कुछ खाना पीना है भाई तो यहाँ पे शॉप भी है, जैसे कश्मीर में नहीं है, डल लेक में है ना शायद, हाँ डल लेक में, वैसा भाई यहाँ भी सीन है। कर्नाटका भाई, ये कर्नाटका बॉर्डर है और ये तमिलनाडु, और हम बीच में हैं, हम पता नहीं क्या है भाई। भाई अभी भैया हमें राउंड राउंड घुमा रहे हैं। फक फक भाई, फक फक, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यू कैन लाइ, ओ भाई, वी आर अ फ्री बर्ड। भैया मैं कैमरा नहीं घुमा रहा हूँ, वो हमारी बोट घूम रही है। सो भाई ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई नो बहुत ही अब्रप्टली ख़त्म हुआ है ये, क्योंकि भाई वो शूट करते करते मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है, और चार्जर था नहीं हमारे पास और कहीं भी चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था। बहुत बाद में जाके हमें मिला था, मैंने थोड़ा सा चार्ज किया था, बट हम ऑलरेडी वापस आ गए थे काफ़ी, और ज़्यादा कुछ था नहीं। उसके बाद हमारी राइड ख़त्म हो गई, उसके बाद हम फिर वापस घर के लिए आने लग गए, और फिर मुझे बहुत नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं सोया नहीं था, अपनी शिफ्ट करके गया था, अपनी जॉब ख़त्म करके मैं डायरेक्ट ही निकल गया था वहाँ पे। सो मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो पूरे रास्ते में सो के आया हूँ, मेरा दोस्त चला रहा था गाड़ी अमन। तो भाई ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता है, एंड मुझे एक चीज़ और कहनी है कि आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ही ऑन ऑफ व्लॉग करता हूँ भाई, कभी कर दिया कभी नहीं किया, कभी 6 महीने गायब कभी 3 महीने गायब, बट क्यों करता हूँ ऐसा मुझे खुद नहीं पता है, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाऊँ, फ्रीक्वेंटली लाऊँ व्लॉग्स। और अभी मैं आई थिंक कल या परसों जाऊंगा एक जगह शूट करने, वो भी अच्छा व्लॉग है आने वाला है, तो भाई उसके लिए मैं रियली सॉरी कि मैं गायब हो जाता हूँ, आज के बाद से नहीं होगा ऐसा।
और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब. आई नो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे डेली एक दो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो इट रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपने यहाँ तक देखा है सो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना मांगना बनता है. सो भाई ये व्लॉग बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपने यहाँ तक देखा है सो रियली मीन्स अ लॉट. जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय. I already know.